हेलो, मैं रविंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्रभात इंटरनेशनल स्कूल में। आज के वीडियो क्लास में हम बच्चे के लिए हम देखेंगे। अभी तक तो हमने सीखा था कि लाइन में बच्चे को डील फर्स्ट टाइम कैसे करना चाहिए। उसके बाद अगली स्टेप में हम लोग देखेंगे, बहुत सारे टीचर इसको शायद गाइड नहीं कर पाते हैं ठीक ढंग से, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को लाया हूँ। तो सबसे पहले तो ये चार लाइन में, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, इन चारों लाइन में किस तरह हम लोग ए बी सी डी लिखते हैं, मतलब कि ए टू टू जेड हम कैसे लिखेंगे। कैपिटल लेटर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कैपिटल लेटर ए बी सी डी का कैपिटल लेटर कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। ए बी सी डी का कैपिटल लेटर, ओनली कैपिटल लेटर के बारे में आज बात करेंगे। तो ये हम लोग को सबसे पहले देखना है फर्स्ट लाइन, जहाँ भी हो ये फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन का सबसे बड़ा खेल होता है। ये हमारा ए है, इस लाइन से ना आगे बढ़ना चाहिए ना पीछे रुकना है, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। ए और अगला हमारा बी, आगे नहीं बढ़ना है, ये ओ वाला ही है, ओ वाला टर्म बच्चे को हमेशा बताना है। ये आधा पहले ये आधा लिख के दिखाएंगे, ये क्या है बेटा 3, और इसको आगे से किस तरह कर दी बी हो गया। आगे दिखाएंगे ये सी है, इस बात को ख्याल रखना है, थोड़ा सा इसका सुंदरता बढ़ाने के लिए हम लोग सी ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन इसका सुंदरता बढ़ाने के लिए थोड़ा सा लाइन से आगे बढ़ा देंगे, और यहाँ भी ब्लैक लाइन थर्ड लाइन से आगे बढ़ा देंगे। ए बी सी आगे देखेंगे, ये डी है हमारा, डी डी बिल्कुल एकदम ये थर्ड लाइन और फर्स्ट लाइन का पूरा पूरा खेल है। ए बी सी डी ई ई ये ई एफ जी, पूरा संयम रखना है फर्स्ट और थर्ड लाइन के बीच में। ई एफ जी एच बच्चे को साथ साथ ये भी गाइड करना है, एक सीधा लाइन में हो, यानी मतलब एक रो में हो, मतलब रो में होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एच आई, आई फॉर इंडिया, आई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई से आगे बढ़ते हैं जे, जे पूरा ये हमारा बिल्कुल टी जैसा ही है, लेकिन एक छतरी वाली डंटी आ जाती है। जे के एल, अब खेल कहाँ फंसता है ये देखते हैं। एम जो होता है हमारा डब्लू का पूरा पूरा नीचे से मिरर इमेज होता है, लेकिन बहुत सारे कॉपी बुक में हम लोग देखते हैं ये एम यहीं तक रह जाता है। ये एम बिल्कुल गलत है, लिखने का ये तरीका ही नहीं है। अगर हम एम को देखें तो ये बिल्कुल इसका मिरर इमेज होना चाहिए ये डब्लू का। अगर हम यहाँ पे एक मिरर रखें और देखें एम और डब्लू में फ़र्क, तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा। अगर हम उल्टा घूम के देख रहे हैं डब्लू भी एम लगेगा और एम भी डब्लू लगेगा। एम के बाद हम देखते हैं, एम के बाद एन, जो कि फर्स्ट और थर्ड लाइन के बीच में पूरा संयम रखना है। एम एन ओ पी और क्यू में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड लाइन के बीच में इस तरह ओ लिख के इसके बीच में एक कर्व लाइन घुमा देते हैं। पी क्यू आर पी लिख के इसका एक पैर निकाल देना है। पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू, जो कि देखे थे ऊपर भी, एक्स और ये हमारा वाई, बिल्कुल एकदम सीधा हाफ लाइन में भी, यानी फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में भी लिख के नीचे लाइन हो जाना चाहिए। जेड बिल्कुल आसान है, जिस तरह रेड लाइन में उसी तरह ब्लैक लाइन में भी, और रेड का पिछले वाला जो पॉइंट है इसके फर्स्ट वाले पॉइंट से मैच करा देना, ये हमारा जेड। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।